माइक पकड़ सकते हैं उसमें। हाँ तो अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे सृष्टि जी? क्यों ना आप बताएं। सृष्टि 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 एच नहीं एस आर आई आई नो सृष्टि सृष्टि मजाक कर रहा था। हाँ जी हाँ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ, सिर्फ मेरी तारीफ करनी है तुम्हें। तो जया जो है अपने कैरेक्टर के बारे में सब कुछ उल्टा बोलना है। उल्टा? हाँ हाँ चलो ये करते हैं ना, ये करते हैं हम उल्टा बोलते हैं। सो जया बहुत ही खराब है। जया और जोक से बात, जया इज अ वेरी स्वीट वेरी बबली कैरेक्टर एंड जया इज प्लेइंग जया वेडिंग प्लानर प्ले कर रही हैं और जया जो है ममाज गर्ल हैं और जया की जो फैमिली है वो जया का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है और जया समर जैसे बिल्कुल नहीं कि समर बहुत ही ख़राब है। हाँ समर इतना ख़राब लड़का है कि अपनी लाइफ में जितने भी लोग सबसे बहुत प्यार करता तो कुछ ज़्यादा ही प्यार कर देते हैं। तो समर अच्छा लड़का नहीं है और समर जैसा लड़का किसी घर में कोई नहीं चाहता कि समर जैसा लड़का हो, क्योंकि हर घर में है नहीं ना, इसलिए so तो सब चाहते हैं कि बहुत रेयर है तो इसलिए सब लोग जेलस होते हैं समर से कि यार ये समर है हम क्यों नहीं है ऐसे। तो समर बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, सब लोग जेलस होते हैं समर से। मुझे ना ये एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत प्यारी सी बच्ची है ये, इसको मुझे लगता है कि अगर ये सच में थोड़ी सी ऐसी होगी, मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है। मैं हूँ, आई एम कंप्लीट ममाज गर्ल। मैं ममा से, मैं आई थिंक मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा क्लोज किसी से हूँ तो वो ममा से ही हूँ एंड ममा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं कुछ भी जो भी मैं कोई बदमाशी भी करती हूँ तो वो ममा को सबसे पहले पता होता है। कॉलेज भी बंक करती थी तो शी यूज़ टू नो कि मैं बंक कर रही हूँ और वो क्योंकि वो बहुत कूल है मेरी ममा, बहुत ही जाती थी ऐसे ही गोलगप्पे खाने। तो हाँ चले जाते थे घूमने फिरने, लेक्चर्स बोरिंग लगते थे, मूवीज भी तो है। हाँ और सारी चीज़ें बताते नहीं बाकी मैं। हाँ सच में रमेश ग्रीन टी बहुत अच्छी बनाता है। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मुझे सबको बहुत प्यार करना बहुत पसंद है समर को। तो अगर उसे कोई बोलेगा चाय बना के लाओ तो हाँ वो सच में जाएगा चाय बनाने। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से सब रिलेट कर पाएंगे कि किसी को कोई रोमांटिक मूड में है या फिर कहीं खाना खाने जा रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं, साला फ़ोन आया और सब ख़त्म, तो ऐसा होता है। तो हाँ समर से रिलेट कर सकते हैं सब। मैं सृष्टि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, बहुत ओपन माइंडेड है, बट मैं थोड़ा सा स्पेस रखता हूँ वो जस्ट बिकॉज हमारी जो शर्माना है जो इनिशियली जो हम एक दूसरे को देख के कर भी रहे थे, जो हम नए किसी भी नए से मिलते ऐसा करते हैं तो हम थोड़ा अलग थे और मैंने भी बात भी करी थी, हमने क्लियर भी करा कि हम थोड़ा ऐसे ही रहेंगे, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगे बिकॉज फ्रैंक होना बहुत ईजी है और जो इनिशियली प्यारी चीज़ें हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो मैंने कहा वो प्यारी प्यारी चीज़ों को रखते हैं जो हमारे कैरेक्टर में काम है। आपको दिखेगा अभी, यू विल बी एबल टू सी वो जो इनिशियल हमारा जो शर्म और जो फर्स्ट लव जो होता है वो इसीलिए और निखर के आया क्योंकि वी डिसाइडेड कि हम उतना ज़्यादा एक दूसरे से फ्रैंक नहीं। तो और उससे एक प्लस पॉइंट ये कि मुझे मेरा बहुत मन करता है इससे बात करने का बट मैं करता नहीं हूँ, तो अब समर का भी बहुत मन करेगा इससे बात करने का पर उसको शर्म भी आएगी। तो और ऐसा ही फिर सृष्टि को भी होता है, ऐसा ही फिर जया को भी होगा, राइट? सो थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक हम वही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक हर स्टेप पे ये सवाल ऑडियंस के लिए भी जाएगा कि क्या सही है कि जो आपकी जो लड़की की मम्मा होती हैं वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें, इतनी प्रोटेक्टिव हों, इतनी पोजेसिव हों, या जो या लड़की को अपने ससुराल में जाके थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए और वहाँ पर भी कितना एडजस्ट करना चाहिए, वो पॉइंट कौन सी है जब आप वापस आ जाओ और वो पॉइंट कितनी है जहाँ तक नहीं आप कहो कि नहीं मैं एडजस्ट करूँगी या मैं इसको निभाने की कोशिश करूँगी। सो आई थिंक वो एक चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है बट हम कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा एक लाइटर फॉर्म में प्रेजेंट करने का। सब तो बोल दिया उसने। हाँ सो मेरा भी परसेप्शन यही है कि मतलब कितना इंटरफेयर करना चाहिए एक सासू माँ को एक घर में शादी के बाद, तो उन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि सारे ओपन माइंडेड नहीं होते, नई नई शादी होती है, दो तीन महीना मिले होते एक दूसरे से, किसी को जानते नहीं है और आज के टाइम में सब इतने जजमेंटल है कि किसी ने बोला कि तूने खाना बनाया तो बातें इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आज के टाइम पे। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए इंटरफेरेंस भी, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो वो जैसे हमें फ्रूट्स भी पसंद है, कुछ भी लाइफ में कोई चीज़ पसंद है अगर ज़्यादा मिले तो ख़राब ही है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो हम इस शो के ज़रिए बस यही बताएंगे कि इतना करो, अगर इतना करोगे तो ऐसा होगा, इतना करोगे तो अच्छा होगा। तो बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ होनी चाहिए।
बहुत ही स्मार्ट सा नवाबी टाइप लुक है एंड नमिश बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें. और नमिश से मैं जब मिली थी तो भी मैंने कहा था कि बड़े स्मार्ट लग रहे हैं नीचे और ब्लू हैंडसम लग रहे हैं राइट. और नमिश का फेवरेट कलर है ब्लू राइट. हाँ जी, तो आई थिंक ही इज ऑल्सो हैप्पी वेयरिंग इट. बस नमिश लग बहुत अच्छे हैं. और इनके लुक के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये जो भी पहनती है बहुत अच्छा लगता है, इन पर बहुत सूट करता है. और बेसिकली इनकी जो स्माइल है वो इनके किसी भी कपड़े को बेस्ट, दैट्स हर बेस्ट ज्वेलरी. तो इनकी स्माइल सारी चीज़ों को कवर कर लेती है. वो आपको देखना पड़ेगा. ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, आज ये सीन तो क्या है, कुछ भी है. बोलने नहीं दी, बोलो ना, आपको देखना पड़ेगा. हम रोज ऐसा पहनते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए सोने की ज्वेलरी पहनते हैं. यस हां नहीं, वो आप पता लगाइए ना, 8:30 बजे 11 सितंबर नमिश का बर्थडे भी है. बर्थडे भी है यस. फाइंड आउट.